नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस आदर्श विद्या निकेतन स्कूल के माध्यम से, जो आपको इस कोरोना महामारी में जो लाइव क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है, इसको आप अच्छे से देखें। आपके यहाँ पे सब सब्जेक्ट की क्लासें लगेगी। आज मैं पवन गहलोत आपके स्टार्ट करने जा रहा हूँ 12th बायोलॉजी का जो चैप्टर है आपके रासायनिक समन्वय, उसके बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती क्या है, यह हमारे शरीर में क्या कार्य करती है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब वो होती है हमारे शरीर के अंदर एक कोशिकाओं का समूह होती है, जो क्या करती है, किसी ना किसी पदार्थ का स्त्राव करती है, और उस पदार्थ के द्वारा हमारे शरीर की जो भी क्रिया होती है उन क्रियाओं को अपने कंट्रोल में रखने का कार्य करती है। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्या होती है, आपके एक सेल्स का ग्रुप होती है। अब इनमें देखते हैं कि सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है कि आपके एक सेल्स का समूह होता है। ये सेल्स का समूह क्या करता है कि किसी ना किसी पदार्थ का या किसी द्रव का क्या करती है, स्त्रावण करती है। ठीक है, और यह द्रव क्या करता है, ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ध्यान रखना, ये जो स्त्राव स्रावित करते हैं वो आपके ब्लड के माध्यम से, मतलब रक्त के माध्यम से कहां पे पहुंचता है, आपके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये है आपके क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो आपके इस जो भी ग्रंथियां होती हैं, इनके द्वारा जिस पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो आपके पदार्थ क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोन। अब हार्मोन की डेफिनेशन आपको कैसे याद रखनी है कि जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो भी आपके अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो आपके रासायनिक पदार्थ क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्मोन। तो ये हो गई आपके हार्मोन की डेफिनेशन यहाँ पे। ठीक है, कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है और वो रासायनिक पदार्थ आपके क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपके शरीर में जो ग्रंथियाँ होती है वो आपके तीन टाइप की पाई जाती है। कितने टाइप की पाई जाती है, तीन टाइप की। देखो कौन कौन सी है, एक तो ग्रंथि हो जाएगी आपके बहिःस्रावी ग्रंथि, जिसे बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक हो जाएगी आपके शरीर में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसके अलावा एक और आपके विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। तो इन तीनों ग्रंथियों के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है और इन तीनों ग्रंथियों में देखना है कि क्या डिफरेंस है और ये क्या कार्य करती है तीनों ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ग्रंथियों वाला पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, तो उससे पहले हमें इन तीनों ग्रंथियों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके ग्रंथियाँ क्या है, क्या कार्य करती है, किस पदार्थ का स्त्रावण करती है, हार्मोन क्या होता है, एंजाइम क्या होता है, इन दोनों का कार्य क्या होता है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। बहिःस्रावी मतलब क्या होता है कि वह ग्रंथियां जो अपने पदार्थ का स्त्रावण बाहर करती है, कहाँ पे बाहर, रक्त से बाहर नलिकाओं में करती है। मतलब क्या होता है कि जो आपके बहिःस्रावी ग्रंथियां है यह अपने रासायनिक पदार्थ, कौन सा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, इस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कहाँ पे करती है, नलिकाओं में करती है। इस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण कहाँ पे करती है, नलिकाओं में करती है। वो आपके ग्रंथियाँ कौन सी कहलाती है,
वो आपके ग्रंथियां कौन सी कहलाती है, वही स्त्रावी ग्रंथियां कहलाती है। ठीक है, मतलब इन्हें क्या कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। नलिका काम में आ रही है तो इन्हें क्या कहते हैं, नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। अब नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं तो इनके द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो रासायनिक पदार्थ ध्यान में रखना क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम। जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो रासायनिक पदार्थ इसमें क्या होता है आपके, एंजाइम होता है। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, एंजाइम। ठीक है, रासायनिक पदार्थ क्या होता है, एंजाइम। अब देखो यहां पे एंजाइम क्या होते हैं आपके, प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि जो हार्मोन होते हैं वो आपके स्टीरॉइड के भी हो सकते हैं, प्रोटीन के भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट के भी हो सकते हैं, वसा के भी हो सकते हैं, एमिनो अम्लों के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि होती है इनके द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो तो क्या होता है, हार्मोन। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो क्या होता है आपके, एंजाइम। तो एंजाइम और हार्मोन में अब आप डिफरेंस कर सकते हो किस प्रकार की, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो क्या होता है, एंजाइम। जबकि आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो क्या कहलाता है, हार्मोन। और जो भी आपके एंजाइम होते हैं ये सारे एंजाइम ध्यान रखना किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के, प्रोटीन के बने होते हैं। क्या बोल सकते हैं इनको कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, है ना। मतलब क्या होगा कि जो सारे एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं बट जो भी सारे प्रोटीन है वो आपके कभी भी एंजाइम नहीं होते। ये हो गए आपके बहिस्रावी ग्रंथि और आपके अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अगली ग्रंथि आपके मिश्रित ग्रंथि। हमारे शरीर में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जो आपकी मिश्रित ग्रंथि का कार्य करती है। मिश्रित ग्रंथि का मतलब यहाँ पे यह है कि ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करेगी, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करेगी और बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करेगी, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी कार्य करेगी। अब मैंने बताया आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो क्या कहलाता है, हार्मोन। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो क्या कहलाता है आपके, एंजाइम। क्या कहलाता है, एंजाइम। तो यहाँ पे मिश्रित ग्रंथि की परिभाषा क्या हो गई कि शरीर की वह ग्रंथि जो आपके क्या करती है, अंतःस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है और बहिस्रावी ग्रंथि का भी कार्य करती है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, मिश्रित ग्रंथि। और हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि वो है आपके अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, अग्नाशय। इस अग्नाशय को ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलते हैं पेनक्रियाज। क्या बोलते हैं, पेनक्रियाज बोलते हैं। ये अग्नाशय ग्रंथि क्या, हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जो आपके हार्मोन का भी स्त्रावण करती है और एंजाइम का भी स्त्रावण करती है। अब बात करें कि हमारे शरीर में बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी है। बहिस्रावी की बात करें तो मैंने आपको जब पाचन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था वहाँ पे हमने ग्रंथियाँ पढ़ी थी, वो सारी क्या आपके बहिस्रावी। कौन कौन सी, एक तो आपके लार ग्रंथि, एक हो जाएगी आपके यकृत ग्रंथि, लीवर ग्लैंड। ये दो ग्रंथियाँ कौन सी हो जाएगी आपके, बहिस्रावी ग्रंथि। बाकी आपके शरीर में 9 ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं वो आपके क्या हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी, अंतःस्रावी ग्रंथि। जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, पीनियल ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। ये सारी ग्रंथियां कौन सी हो जाएगी आपके, अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इस चैप्टर में हम आपके सिर्फ और सिर्फ कौन सी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। और अगर पूछ ले आपको कि अंतःस्रावी विज्ञान का अगर जनक पूछ ले कि कौन है तो थॉमस एडिसन ध्यान रखना। थॉमस एडिसन क्या आपके अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इस अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है वो आपके कहलाता है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। क्या कहलाता है, न्यूरो एंडो क्राइनोलॉजी। ठीक है, एक तो इसका जनक ध्यान रखना कि जनक कौन है, थॉमस एडिसन। और इसका विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अब हम शरीर की एक एक ग्रंथियों के बारे में विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जो भी ग्रंथियाँ हैं उनकी स्थिति बता देता हूँ कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है और कौन कौन सी ग्रंथियाँ आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है।
तो यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों की, कि अंतःस्रावी ग्रंथि आपके कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। ये कोई भी आपके लाल है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना क्या उपस्थित है, लाल, किसी लाली का क्या है, ये लाल है। अब इस लाल में ध्यान रखना, लाली भी हो सकती है, ध्यान रखना पूरा, ठीक है। तो इसमें आपके नौ ग्रंथियाँ पाई जाती, कौन कौन सी, सबसे पहले आपके जहाँ पे लाली आपकी बिंदियाँ लगाती है वहाँ पे कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है, आपके पीनियल ग्रंथि। जहाँ पे आपकी लाली बिंदियाँ लगाती है वहाँ पे कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। ये हो गए आपके पीनियल ग्रंथि। इसी के पास में ध्यान रखना एक पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मटर के दाने के आकार की, यहाँ पे कौन सी ग्रंथि हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। अगली बात करते हैं कि आपके गले में यहाँ पे, इसके गले में यहाँ पे एच आकार की एक ग्रंथि उपस्थित होती है जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, थायराइड। और इसी के आपके पीछे की ओर चार ग्रंथियां पाई जाती है, मतलब दो जोड़ी, वो ग्रंथि होती है आपकी पैराथायराइड। कौन सी पाई जाती है, पैराथायराइड, ठीक है। अगली आती है आपके थाइमस ग्रंथि, जो आपके वक्ष भाग में, वक्ष गुहा में यहाँ पे पाए जाते हैं, श्वास नली, ट्रेकिया के पास में, ये आपके श्वास नली है, यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ठीक है। अगली बात करते हैं कि एक ग्रंथि आपके यहाँ पे पाई जाती है, इसे बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। इसके अलावा दो आपके जो किडनी होती है, लीवर, यहाँ पे सॉरी जो किडनी होती है, इन किडनियों पर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि उपस्थित होती है दो, इन्हें बोलते हैं अधिव्रक ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, अधिव्रक या एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे दो जोड़ी जो ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, अगर ये आपके लाल है यहाँ पे, क्या है, लाल, तो लाल में तो ध्यान रखना कौन सा, वृषण ग्रंथि उपस्थित होगी, जबकि जो लाली होगी उसमें कौन सी होगी, आपके अंडाशय ग्रंथियाँ, लाली में कौन सी होगी, आपके अंडाशय ग्रंथियाँ, ठीक है। पैराथायराइड हो गई, थाइमस ग्रंथि होगी, पीनियल हो गई, पीयूष ग्रंथि होगी। अब ध्यान रखना कि ये आपके टोटल ग्रंथियाँ, इनमें से पहली ये हो गई, सेकेंड नंबर ये हो गई, थर्ड ये हो गई, फोर्थ ये हो गई, फिफ्थ ये हो गई, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट और नाइन्थ, ये टोटल कितनी ग्रंथियाँ हो गई, नौ ग्रंथियाँ हो गई। अब इन नौ ग्रंथियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे कि ये ग्रंथियाँ कहाँ पे उपस्थित होती है, किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, कौन से हार्मोनों का स्त्रावण करती है, किस हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, और वह हार्मोन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है, अगर हार्मोन स्त्रावित नहीं होगा तो उसके द्वारा कौन सा कार्य प्रभावित होगा, इनके बारे में हम यहाँ पे अब डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पे कौन सी ग्रंथि उपस्थित है, पीयूष ग्रंथि उपस्थित है। इस पीयूष ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसके बारे में बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के बारे में। अब देखो पीयूष ग्रंथि, सबसे पहले इस पीयूष ग्रंथि की आपको स्थिति याद रखनी है, ये पीयूष ग्रंथि स्थित कहां पे होती है, जहां पे आपकी लाली बिंदिया लगाती है उसके पास में कौन सी ग्रंथि होती है, आपके पीयूष ग्रंथि। जहां पे बिंदिया लगाती है वहां पे तो आपके पीनियल ग्रंथि, उसी के पास में कौन सी होती है, आपके पीयूष ग्रंथि, मतलब अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होती है। कहां पे उपस्थित होती है, अग्र मस्तिष्क में। और यह आपके पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे पाई जाती है, किसके नीचे पाई जाती है, हाइपोथैलेमस के नीचे, और जुड़ी होती है हाइपोथैलेमस, मान लो ये आपके ऊपर वाला भाग हाइपोथैलेमस का है, ये ऊपर वाला भाग, यहाँ पे ध्यान रखना जो ये भाग है, ये कौन सा भाग है, आपके हाइपोथैलेमस का, इसी के नीचे आपके ये एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथि, या इंग्लिश में बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ध्यान रखना पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस के द्वारा एक व्रंत द्वारा जुड़ा होता है, ये आपके यहाँ वाला जो भाग होता है ये व्रंत, और इस व्रंत को कहते हैं आपके इनफंडिबुलम। देखो जो आपकी पीयूष ग्रंथि होती है वो आपके हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, किसके द्वारा,
एक व्रंत होता है, उस व्रंत को क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम के द्वारा ये आपके जो पीयूष ग्रंथि होती है किससे जुड़ी होती है, हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि का हम आकार देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि का आकार किसके आकार का होता है। एक मैंने आकार बताया था अभी कि ये इसका जो पीयूष ग्रंथि का आकार होता है वो आकार होता है मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की होती है, ठीक है। पीयूष ग्रंथि होती है वो मटर के दाने के आकार की होती है। अब पीयूष ग्रंथि है, अब इस पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, दो। एक तो होता है आपके आगे वाला भाग, एक आपके पीछे वाला। जिस प्रकार से ये संरचना बनी है, मैंने यहाँ पे बनाई है, ये आपके जुड़ा है आप ऊपर हाइपोथैलेमस के द्वारा। एक तो ये हो जाएगा आपके आगे वाला भाग, एक ये हो जाएगा आपके पीछे वाला भाग, ठीक है। एक तो ये आगे वाला भाग, एक कौन सा हो जाएगा, आपके पीछे वाला भाग हो जाएगा। अब जो आगे वाला भाग होता है ये, इस भाग को बोलते हैं अग्रपाली या अग्रभाग बोल सकते हैं, अग्रपाली या अग्रभाग। जबकि जो पीछे वाला होता है इसे बोलते हैं पश्चपाली या पश्चभाग, ठीक है। अब जो आगे वाला भाग होता है इसे बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि जो पीछे वाला भाग होता है उसे बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये क्या होता है, एडिनोहाइपोफाइसिस। जबकि ये भाग होता है ये आपका कहलाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये संरचना आप ध्यान में रखना, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है कि एक तो पीयूष ग्रंथि की स्थिति अग्र मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे क्या होती है, आपकी मटर के दाने के रूप में लटकी अवस्था में पाई जाती है, और इससे जो व्रंत होता है वो कौन सा होता है, इनफंडिबुलम होता है। फिर हमने देखा कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो अग्रपाली वाला भाग, एक आपके पश्चपाली वाला भाग। अग्रपाली को क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, जबकि जो पश्चपाली होती है उससे बोलते हैं आपके न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब पीयूष ग्रंथि होती है, इसका मेन कार्य क्या होता है, ध्यान रखना, जो पीयूष ग्रंथि होती है इस पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं आपकी मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। बहुत ही गरीब ग्रंथि है बेचारी, मास्टर ग्रंथि है। कार्य क्या करती है कि ये पीयूष ग्रंथि होती है जो बाकी सभी भी आपके आठ ग्रंथियाँ हैं उन आठों ग्रंथियों पर क्या रखती है, कंट्रोल रखती है। उनको क्या कहती है कि हार्मोन स्रावित आपको कब करना है, कब हार्मोन स्रावित नहीं करना है। तो ये क्या कार्य करती है कि उन आठों ग्रंथियों को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। लेकिन इस गर्भ जो आपके पीयूष ग्रंथि, इस पर एक दूसरी ग्रंथि का नियंत्रण होता है, और वो दूसरी ग्रंथि कौन सी, आपकी हाइपोथैलेमस। कौन सी है दूसरी ग्रंथि, आपकी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करती है कि इस पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल रखने का कार्य करती है। इसीलिए इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, आपके हेडमास्टर ग्रंथि बोलते हैं, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है कि जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखने वाली ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस। इसीलिए इस हाइपोथैलेमस को ध्यान रखना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। जबकि पीयूष ग्रंथि होती है, इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखना कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल रखती है, जबकि पीयूष ग्रंथि होती है वो आपके अन्य बाकी जो आठ ग्रंथियां हैं उन पे कंट्रोल रखती है। अब देखते हैं कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं वो हार्मोन कौन कौन से। तो जो आपके इसमें अग्रपाली है, एक तो अग्रपाली, एक आपके पश्चपाली, इन दोनों के द्वारा हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, अग्रपाली के द्वारा भी पश्चपाली के द्वारा भी। तो अग्रपाली के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उन हार्मोनों को देखो आपको किस प्रकार याद रखना है। एक आपके ट्रिक है GLAT, गलत है, गलत क्या है, FM पे OA, ये याद रखना ट्रिक। ये क्या हो जाएगी, आपके ट्रिक बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, गलत FM पे OA। तो यहाँ पे कितने हार्मोन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल हार्मोन कितने हो गए, 9। तो आपके जो अग्रपाली होती है और पश्चपाली होती है इन दोनों पालियों के द्वारा आपके 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब जो पश्चपाली होती है कहाँ पे, आपके पीछे की ओर, और यहाँ पे पीछे की ओर कौन सी ध्वनि आ रही है, आपके ओ है। तो आपके पश्चपाली के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, अभी इनकी हम बात करेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं कि अग्रपालिक के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके जो हार्मोन है वो हार्मोन है आपके जीएच हार्मोन। क्या हार्मोन है, देखो यहां पे सबसे पहले आपके क्या बन रहा है, पीयूष ग्रंथि के जो अग्रपाली होती है, कौन सी पाली, अग्रपाली के द्वारा, अग्रपाली के द्वारा जो पहला हार्मोन है उसमें आपको जी के द्वारा याद रखना है। क्या याद रखोगे, जी के द्वारा, जी एच हार्मोन, या इसे बोलते हैं एस टी एच हार्मोन, सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, या तो जी एच हार्मोन मतलब जी एच का पूरा नाम क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन, या एस टी एच हार्मोन, एस टी एच का मतलब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। देखो मैं यहाँ पे इसका पूरा नाम लिख देता हूँ, जी आर ओ डब्ल्यू टी एच, ग्रोथ हार्मोन, या इसे बोलते हैं, ध्यान रखना एस टी एच का पूरा नाम होता है सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ मतलब क्या होता है, वृद्धि, हमारे शरीर की वृद्धि में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, जीएच हार्मोन। जब हम छोटे थे तब इतने से थे, आज इतने बड़े हो गए, किसके कारण हुए, ग्रोथ हार्मोन की वजह से। आपका लल्ला इतना था, आज इतना बड़ा हो गया आपका लल्ला, किस हार्मोन की वजह से हुआ, ये सारा हार्मोन सिर्फ और सिर्फ कौन से हार्मोन के कारण हुआ, आपके जीएच हार्मोन के कारण। किसके कारण हुआ, जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के कारण आपकी वृद्धि हुई है। कभी आप इस दीवार को फाड़ के बाहर निकलोगे, किस हार्मोन की वजह से, इस जीएच हार्मोन की वजह से। ठीक है, अब तो ये जीएच हार्मोन क्या करता है, हमारे शरीर की ये वृद्धि करने में सहायक है, हमारे शरीर की वृद्धि करने में क्या है, सहायक है। अब ये हमारे शरीर की वृद्धि किस प्रकार करेगा, कि हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या होता है, कि जो कोशिकाओं में विभाजन होता है उस विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। ये क्या करता है, जो सेल होता है उस सेल में डिवीजन क्या करता है, प्रारंभ करता है या प्रेरित करता है, सेल डिवीजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। अगर आपके सेल डिवीजन से क्या होता है, शरीर की शारीरिक वृद्धि होती है, क्या होता है, शरीर की शारीरिक वृद्धि। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ मतलब क्या हो गया, वृद्धि, कौन बढ़ाता है वृद्धि आपके, ग्रोथ हार्मोन या एसटीएच, एसटीएच मतलब सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन, यह क्या करता है, आपके शरीर की वृद्धि बढ़ाता है। ठीक है, तो पहला हार्मोन कौन सा हो गया, ग्रोथ हार्मोन। अब इस ग्रोथ हार्मोन के कारण देखो कुछ हमारे अगर शरीर में कमियां हो जाती है तो इस ग्रोथ हार्मोन की वजह से कुछ रोग हो जाते हैं, उन रोगों को देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब इस जीएच हार्मोन के प्रभाव, जीएच के प्रभाव, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के प्रभाव, सबसे पहले प्रभाव क्या होगा, कि ये क्या करता है, शरीर में वृद्धि बढ़ाता है। अगर मान लो हमारे शरीर में जीएच हार्मोन का स्त्रावण नहीं हो तो हमारे शरीर की वृद्धि नहीं बढ़ेगी, तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल बोना रह जाएगा, और इसे क्या बोलते हैं, बोनापन, क्या बोलते हैं, बोनापन बोलते हैं, या इसे आप इंग्लिश में बोलते हैं ड्रफनिज्म, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं आप, ड्रफनिज्म। मतलब क्या होता है कि अगर जीएच हार्मोन का कम स्त्रावण हो बाल्य अवस्था में तो आपका शरीर क्या हो जाता है, बोना रह जाता है, या आप बोने रह जाते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बोनापन, या इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं, ड्रफनिज्म। मतलब क्या होता है, इसमें बाल्य अवस्था में जीएच के अल्प स्त्रावण से, जीएच के अल्प स्त्रावण से शरीर की शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती है, शरीर की शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती। ठीक है, शरीर की शारीरिक नहीं है, जो शरीर की शारीरिक वृद्धि होती है वो नहीं हो पाती है, जिससे शरीर क्या हो जाता है, बोना रह जाता है। अब क्या होता है, एक ये हो गया आपके बोनापन, दूसरा प्रकार होता है इसकी, अगर आपके वृद्धि हो जाती, कब होगी, वयस्क, जब ध्यान रखना, जब आपका शरीर वयस्क हो जाते हैं, जब आप शिशु से कब हो जाते हो, वयस्क हो जाते हो शिशु से, तो अगर वयस्क अवस्था में, किस अवस्था में, वयस्क अवस्था में इस जीएच हार्मोन की अगर अधिक स्त्रावण हो जाता है, जीएच हार्मोन का अगर अधिक स्त्रावण हो जाता है तो आपका शरीर कैसा हो जाता है, बलवान हो जाता है, एकदम शरीर की हाइट क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। ठीक है,
तो शरीर की हाइट क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा एक खली को, खली को जानते होंगे सारे, इस खली का उदाहरण आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसकी हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ खली में देखा होगा आपने जो उसकी हिचकी है, वो हिचकी भी क्या आपके बाहर निकली हुई, किस अवस्था में है, क्योंकि वयस्क अवस्था में क्या हुआ था उसके कि ये जीएच हार्मोन था वो अधिक स्त्रावित हो गया। जीएच हार्मोन क्या हो गया, अधिक स्त्रावित हो गया। इस जीएच हार्मोन के अधिक स्त्रावण से क्या हो गया कि सारे शरीर का कोई भी भाग, शरीर का कोई भी अंग एक अतिवर्दी के रूप में बाहर निकल जाता है, या शरीर के कोई भी भाग की अधिक वर्दी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके एक तो बोनापन हो जाता है, एक वयस्क अवस्था में शरीर बलवान हो जाता है ज़्यादा, और अधिक स्त्रावण से क्या होता है कि जीएच हार्मोन के और अधिक स्त्रावण से क्या होता है कि शरीर का जो लंबाई तो बढ़ते उस लंबाई के साथ साथ में शरीर का कोई भी अंग क्या कर लेता है, वर्दी कर लेता है। शरीर का कोई भी अंग और अधिक वर्दी कर लेता है, ठीक है। इसमें आप उदाहरण ध्यान रखना खली का। ये था आपके किसके बारे में, जीएच हार्मोन के बारे में ना।